जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को थकान और बुखार के चलते पानीपत के नजदीक अपने गांव खंडरा में आयोजित स्वागत कार्यक्रम बीच में ही छोड़ना पड़ा। हालांकि दोस्तों, जानकारी के अनुसार जो खबर आई उसमें ओलंपिक लौटने के बाद से ही नीरज चोपड़ा बेहद व्यस्त कार्यक्रम के चलते काफी दोस्तों वीकनेस महसूस कर रहे थे। उन्हें कुछ समय से आराम की जरूरत है, लेकिन वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा के एक करीबी व्यक्ति ने यह भी बताया कि उन्होंने एहतियात ये कार्यक्रम बीच में छोड़ा जो उनके दोस्तों परिवार में स्वागत के लेकर सब कुछ तैयारियां थी। चोपड़ा मेडल जीतने के बाद 10 दिन बाद मंगलवार को पानीपत पहुंचे। यहां से समालखा के हल्दाना बॉर्डर से उनका काफिला गांव खंडरा पहुंचा, जहां उनके स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। अब जानकारी के अनुसार दोस्तों, गांव में दाखिल होने से लेकर घर तक नीरज चोपड़ा के स्वागत के लिए पूरे रास्ते में लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इसके चलते स्वागत कार्यक्रम के वेन्यू तक पहुंचने में भी नीरज और उनके काफिले को बहुत ज्यादा वक्त लगा। नीरज चोपड़ा के करीबी व्यक्ति ने बताया कि कार्यक्रम के बीच में ही नीरज थकान और हल्का बुखार महसूस करने लगे, इसलिए उन्होंने जो प्रोग्राम था उसको बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और पास के घर में आराम करने चले गए। लेकिन जो खबर दोस्तों शुरुआत में फैली थी कि नीरज चोपड़ा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, वो बिल्कुल ही महज अफवाह थी। ऐसा नहीं हुआ, बस घबराने की कोई बात नहीं थी और वो बिल्कुल सही है। टोक्यो से वापसी आने के बाद दोस्तों नीरज चोपड़ा लगातार शोज में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। सही समय पर खाना ना खा पाना, नींद पूरी सही से ना ले पाना, इन सब की थकान उनको हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एक घर में ही रेस्ट कराया गया और अपने गाँव बाद में जाएंगे, अपने परिवार वार से फिर मिलेंगे, लेकिन पहले उनको रेस्ट की जरूरत है, जो किसी से मुलाकात भी अब करना पसंद नहीं कर रहे हैं और दूरी बना ली है कुछ दिनों के लिए। खबरें दोस्तों अभी तक यही है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।